तो जैसे कि अभी 4:30 हो चुके हैं और मैं दुकान जा रहा हूँ। तो आजकल 3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। व्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि आजकल दुकान में इतना काम रह रहा, फिर इधर उधर जाना भी नहीं हो पा रहा, अपना कुछ ना कुछ चल ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम चल रहा है तो इस चक्कर में, और पापा जी अभी दिल्ली जा रहे हैं तो इस चक्कर में भी अब मुझे देखनी पड़ रही है पूरी दुकान। तो साथ में तो आज ऐसा हुआ कि आज दुकान में पहले 9 बजे के बाद ऐसे भीड़ आई और मैं था अकेले, क्योंकि जो मेरे साथ दोस्त रहता है मेरे साथ, वो किसी काम से बीरू फाल जा रहा था। इस चक्कर में तो पानी भर लेता हूँ। तो आज ऐसा हुआ कि भीड़ जैसी दुकान में आई तो किसी तो सामान भी वो उस हिसाब से ले गए थे क्योंकि ज़्यादा सामान था। कोई इधर से कह रहा है, कोई उधर से कह रहा है, आज मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया। मतलब अपना माल का ट्रक भी आज ही आया, कस्टमर भी आज ही आया, सबसे ज़्यादा कस्टमर भी आज ही ज़्यादा है, सामान देना पड़ा, तो आज मत्था पच्ची भी हो गई थी, दिमाग भी ख़राब हो गया था। फिर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि कोई आया, सब्सक्राइबर था हमारे, तो वो मिलने आए, और उस समय जो मेरी हालत थी ना, फ़ोटो देखी इंस्टा में ज़रूर देखना, फ़ोटो लगा रही है, मैं मेंशन कर दूँगा, दिखा भी दूँगा यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट में। तो क्योंकि मैं सीमेंट, उस समय मैं सीमेंट अंदर घुसा रहा था क्योंकि आज लड़के भी नहीं थे अपने पास, तो मैं भी कर रहा था और मेरे साथ एक और था, तो सीमेंट भी करा। तो उस समय पूरी हालत बहुत गंदी हो रही थी, मिट्टी से लथपथ हो रहा था ऊपर से लेकर नीचे तक, सब्सक्राइबर भी उसी समय, तो अच्छा लगा मिलके। तो अब फिलहाल तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि दुकान में आजकल पापा जी है नहीं, पापा जी दिल्ली जा रहे हैं और मैं अकेला रह रहा हूँ, तो इस चक्कर में। तो अब डालूंगा व्लॉग क्योंकि अब मैंने माइक के लिए मैंने अडेप्टर फिर से ख़रीद रहा हूँ, 3-4 हज़ार का, वो दोबारा ख़रीदूँगा क्योंकि जो अडेप्टर था मेरा उसे टाइम लगेगा वापस आने में, हो जाएगा अभी रिपेयर होने में, गोप्रो की सर्विस सेंटर जाएगा, इससे बड़े मैंने बोले जब तक वो टाइम लेता है तो दूसरा ले लेता हूँ मैं, तब तक तो वो आएगा तो उसे देखेंगे, बेच देंगे या जो भी होगा, जिसे चाहिए होगा तो करेक्ट करना मुझे। और जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी तो उसमें भी तो जो भू कानून के ऊपर थी, तो उसमें सब गौर करना क्योंकि भू कानून रहेगा तो उत्तराखंड पहले जैसा था वैसे ही रहने वाला है, वरना ना आपके पास देव रहेंगे ना आपके पास भूमि रहेगी आने वाले टाइम पे। तो हैशटैग उत्तराखंड भू मांगे कानून, ये हमेशा यूज़ करते रहना और चलाते रहने से कभी ना कभी भू कानून को लेके सरकार भी एक्शन लेगी कि हाँ भाई ये रूल आना ही चाहिए अब उत्तराखंड में। केदारनाथ का प्लान कर रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है, अगस्त सितम्बर तक मैं केदारनाथ पक्का जाऊँगा, तो जो जो चलना है चलना साथ में। तो वो अपना व्लॉग शूट कर रही है वहाँ और मैं इधर से, तो अभी जो साथ के रहते वो जा रहे वहाँ पुल के वहाँ बैठ रहे, वो वहाँ पे पबजी खेलने के लिए, तो हम अपनी शॉप में बैठ रहे। तो पहले काम फिर और चीज़ें। तो फिलहाल जो सुबह आए थे वो अभी भी आ रहे हैं, तो उनसे मिलाता हूँ। तो जो सुबह आए थे हमसे मिलने के लिए तो अभी भी आ रहे हैं। मैं आपका नाम, मेरा नाम अंकित अबलियाल, कहाँ से हो, कोटद्वार, और ये और ये भी थे साथ के, हाय। आपका बोलो ना, गुड नेम, गुड नेम भी आपका, मीनाक्षी, मेरा अक्षर रावत, तेरे को तो अच्छा यार बहुत बड़ी फिल्म छप जी रहे थे मैं भाई साहब, अभी हमने बूमरैंग बनाई, अभी हमने फोटो की, तो अभी मैं काम ही कर रहा था, अब जाके फ्री हुआ हूं, तो अभी भी हालत बहुत बेकार हो रही है, तो आ रहे थे तो थोड़ा ड्राइवर ही बनू लोग।
बहुत जल्द मिलेंगे। तो अब 7:18 भी हो चुके हैं और दुकान भी बढ़ा दी, अब बढ़ा ही रहा हूँ मैं। फिर अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, भाई आ गया तब बाइक अंदर करूँगा फिर घर जाऊँगा। तो शाम को भी हालत डाउन बड़ी है, अभी भी सामान दे के मतलब अब ऐसा सोच रहा हूँ कि प्लास्टिक के कपड़े बना ही लूँ मैं अपने घर में, क्योंकि सुबह भी कपड़े पहन गया वो भी ऐसे गंदे हो जा रहे, क्योंकि अब हार्डवेयर का काम है तो गंदे हो ही जाते। तो अब सोच रहा कुछ वैसे कपड़े बना ही लूँ या ले आऊँ जो पन्नी के हो, जिसमें कोई दिक्कत ना है मेरे को। तो अभी दुकान में पापा जी है नहीं, तो अभी भी थोड़ा बहुत मतलब संभालने में दिक्कत आ रही है मेरे को, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की। तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा जैसे धीरे धीरे मैं कैमरा फेस करने लगा हूँ, तो वैसे ही है। बाकी हैशटैग उत्तराखंड भूकानून चलाते रहो जितना हो सके, ट्विटर मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है करते रहो। किसी ने कहा था कि भाई उत्तराखंड के लोग जो बाहर है वो उन्हें दिक्कत होगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली इससे, जस्ट चल रहा सब चलेगा, दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। जो बाहर रह रहे उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, किस बात की दिक्कत होगी उन्हें, मेरी ये समझ नहीं आया। किसी ने बोला था कि भाई उन्हें दिक्कत होगी, अरे नहीं होगी किसी को, क्योंकि दिक्कत होगी तो यहाँ के लोगों को जो उत्तराखंड में रह रहे हैं। क्योंकि अब देखो उत्तराखंड में देखा ही होगा कि एक घर इस पहाड़ी में होगा तो एक घर इधर दूर दूर रहते हैं। तो भाई अगर कोई बाहर का बंदा पहाड़ों में आता है और कुछ भी मतलब क्या बोल सकते हैं, आजकल जैसे चल ही रहा है, तो भाई इस पहाड़ में कुछ कर जाएगा, वो हरकतें मतलब मारना मुना कुछ भी हो सकता है, चोरी चकारी, तो किसे होगी दिक्कत। तो इसलिए भूकानून आना ज़रूरी है। बात ऐसी है कि जो हमारे उत्तराखंड के बाहर लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हो, तो जो वहाँ के लोकल्स हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, वो हर जगह हैं, चाहे तुम कहीं की भी बात करो, चलो चाहे अब मैं उत्तराखंड की बात करूँ, तो कुछ लोकल्स अच्छे होंगे तो कुछ गंदे, तो हर जगह दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। बट इतना कह सकता हूँ उत्तराखंड में जो यहाँ के लोग होंगे वो आपके लिए बुरे कभी नहीं हो सकते, बहुत कम, रेयर होते हैं मतलब बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ का स्वभाव थोड़ा अलग है। और बाकी और बाहर के लोग हमारी संस्कृति ख़राब कर रहे हैं, संस्कृति मतलब कि हमारे उत्तराखंड में जैसे देवी देवताओं की हम लोग ही करते हैं जो करते हैं, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं की जो भी होता है वीडियो बना देते हैं, फिर उसे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में अपलोड कर देते हैं, किसके लिए, लाइक व्यूज़ के लिए, फॉलोवर्स के लिए, बस इसके लिए हम वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। और जो बाहर के होते हैं उन्हें तो कुछ पता नहीं होता, कोई इनमें बिलीव करता कोई नहीं करता। मैंने बहुत से देखे जो मीम्स पेज होते हैं वो इनमें डबिंग करके, तो सही नहीं है, पहली कह दूं मैं, डबिंग करना उन चीज़ों में तो अच्छा नहीं लगता है। और उन्हें वो वीडियो कहाँ से मिलती है, उत्तराखंड के पेजों से मिलती है, क्योंकि वो तो ऐसी देवता जब नाचते तो उन्हें रिकॉर्ड मत करो, रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपने तक रखो, उन्हें प्लेटफॉर्म में मत डालो, क्योंकि कोई किसकी कदर नहीं करता है, बहुत देख लिया मैंने मैं तो इन चीज़ों को बढ़ावा मत दो। आने वाले टाइम पे जो आपकी पीढ़ी पीढ़ी होगी उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी तो अब वो डिपेंड करेगा सरकार क्या करती है, बट सरकार अगर कुछ ना करे तो अपने गांव वाले डिसाइड कर लो कि बाहर के बंदे को ज़मीन ऐसे ना दे, कुछ पैसों के लिए आप ज़मीनें दे देते हो, और आने वाली आपकी जब पीढ़ी आएगी तब वो आपको भी बोलेगी कि क्या करा आपने, कि कुछ बचा ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि ऐसा होगा कि एक टाइम पे क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें मिलना भी मुश्किल हो जाएगी जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आप तो सब बाहर के लोग आ रहे हैं वो खरीद ही रहे। इस दुनिया में इतने अमीर लोग हैं, ज़मीन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, ज़मीन क्या वो आपका पूरा पहाड़ खरीद लें, जैसा होगा देखा जाएगा। हमारे CM इतने बदल रहे हैं कि क्या बोले हम भी। तो रात के 8:23 हो चुके हैं, तो मैं लेट आया हूँ घर, तो थोड़ी डांट भी खाई है। तो अभी पूजा करी थी, फिर चाय पी, फिर अभी मम्मी और मम्मी नानी बाहर खाना बना रहे हैं। नहीं है। तो आज बड़ी नयार मारे के हम नहाने के लिए, मस्त
ओ वहाँ से बीच में हल्का सा कम है, बाकी गहरा और वहाँ तक। अब नहाते यहाँ पे लकड़ी है, ये लकड़ी है, पेड़ जड़ा रही है, ये देखो मार उस पे। चल तो अपना नाना हो चुका है, चलते हैं। और यहाँ पे मंदिर हर महादेव।